हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां नवें लैसन ते आ गए जी। तुहाडे कोल पार्ट नंबर जिहड़ा हैगा है, ये पार्ट 4 है जी, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला। ठीक है जी। सो ये कहिंदा एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच एक्सप्रेस करन लई आपां ने की करना हैगा तुहाडे कोल। तो पहला तो जी पॉइंट देखो किन्ने लगनगे, ये आ गया 3 जीरोआं, 5 जीरोआं ते 1 7, ते दा मतलब इहदे नीचे 6 पॉइंट लगनगे। ठीक है जी। सो 6 पॉइंट लगे, 7 कल ही, एक अक्षर छड़ के लाना होंगे, 7 तो कल ही है। नीचे दस की पावर 6 जीरोआं हो गई, क्योंकि 6 जीरोआं है, तो 7 गुणा उपर जाके इन्हें माइनस हो जाना, 7 गुणा 10 की पावर माइनस। सो एक्सप्रेस हो गया जी, थोड़ा लिखना भी आ गया। अगला फिर दोबारा ध्यान नाल देखो थोड़े तो को है अक्षर गिणो, ए 3 6। सो यदा मतलब हो गया कि 35, आ जीरों तो गिननी ही नहीं, 35 ये नीचे 6 जीरोआं आ गई। हुण 6 जीरोआं चो 1 जीरो नूं पॉइंट इत्थे पॉइंट लाने लई यूज कर लो, मतलब आपां ऐ कहिंदे 35 एवें रख्या, 5 जीरोआं अलग रख लियां, 1 अलग रख लिया, 10 आ इहनूं यूज कर लो 1 पॉइंट लाने लई। लग गया नीचे कौन आ गया, 5 जीरोआं, 5 जीरोआं आ गईआं, तां इहदा मतलब है 10 की पावर 5 हो गया। ये 3.5 हो गया, तां 10 की पावर माइनस 5 हो गया। सो 3 की पावर, ठीक हो गया जी। सो ईजी है जी, कोई एड्डा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं, सिर्फ जीरोआं गिणो, पॉइंट तो बाद अक्षर गिणो, सारे पॉइंट तो बाद 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, तो मतलब नीचे 6 जीरोआं आनी ही आनी है। एक छड़ के स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, वह मतलब 10 यूज हो जाना, रह गई 5 5 उत्ते जाऊगा तो माइनस 5 आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन आ गई, ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन आपने देखना है, 2 2 की पावर -1, यदा मतलब 1/2 उल्टा हो जाऊगा प्लस 1 हो जाऊ, गुणा 1/4 उल्टा हो जाऊगा प्लस 1 हो जाऊ, ये भाग हो रहा जेड़ा, ये सारी चीज ब्रैकेट चीज़ पई हुई है, तो भाग हो रहा है वह हैगा है 1/2 कर दो, 2 का उल्टा प्लस 2 हो जाऊगा। ठीक है, तो 1/2 गुणा 1/4 1/8 बन जूगा, भाग की निशानी हो जूगी, 1/2 की पावर 2 है तो 2 गुणा 2, सो 1/8 हो गया जी, भाग 1/4 हो गया। किमें करनी है भाग, परला गुणा कर देता है उल्टा कर देता, सो 4 एकम 4 2 8, सो 1/2 साडा आंसर आ गया तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो 1/2 साडा आंसर आ गया। सो मैनूं लगता नहीं जी कोई इस पार्ट विच कोई दिक्कत हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन देखिए जी आपां की हैगा, सो अगला मेरा तारिया नहीं होया हैगा जी तुहाडे कोल, स्कैन रह गया करना, कोई गल नहीं मैं लिखदा। अगला क्वेश्चन हैगा ये, एक्स दा मुल पता करो, एक्स दा मुल पता करो, तो 5 दी पावर एक्स है 625, तो 5 दी पावर एक्स है, ठीक है, 625 के टुकड़े बनाओ, वह भी 5 की पावर से बनाने ने, तो 5 एकम 5, 1 2 5 2 10 5 5 25, फिर 5 से भाग किया 25 5 125, फिर 5 से भाग किया 5 5 25, फिर 5 से किया 100, 625 के जोड़े टुकड़े बन गए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, सो 5 की पावर 4। सो 5 की पावर 4 अगर कंपैरिजन करोगे तो x की वैल्यू की आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो ईजी है जी क्वेश्चन, आराम ना हो गया तो डिकोल, ठीक है। अगले दिन मैं ऑप्शंस भी लिख देना वा तो डिकोल। क्वेश्चन हैगा अगला, -3 एदी पावर है जी x+1 बराबर -243, x4 है ऑप्शन, x3 है ऑप्शन, x-4 है ऑप्शन, x5 है ऑप्शन, ठीक है। तो पहला आप की करिए, 243 के टुकड़े बनाइए, सो 243 अगर 3 से कर दियो, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से कर दियो तो 27, 3 से कर दियो तो 9, 3 से कर दियो तो 3, 3 से कर दियो तो 1, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, अगर इत्थे माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, इहदे टुकड़िआं दे अगे तां माइनस आ जाऊगा, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, अगे माइनस है पिया रहे तुहाडे कोल, सो 3 गुणा 3 3 3 9 27 81, तो अल्टीमेटली इह -3 की पावर x+1 है, इह -3 की पावर, क्योंकि अगे माइनस है तो मतलब माइनस रहेगा, सारे ते पा लोगे तुसीं कोई चक्कर नहीं गा, 5 हो जाएगा,
तो हूँ बेस सेम है तो ए कंपेरेबल हो गया, तो कंपेरेबल हो गया तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फाइव वन। सो चार आ गया जी, एक्स की वैल्यू चार आ गई जी, थोड़ा क्वेश्चन ये भी हो गया। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी थोड़े को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा थोड़े को, इनू आप स्टैंडर्ड फॉर्म विच लिखना हैगा, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने मियारी रूप विच लिखो थोड़े को, ठीक है, मियारी रूप कहते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना तुसी, तो सारा हेठा होंदा तो उपर लैके जाना पैंदा, पहले ही उत्ते है, एक छड़ के पॉइंट लाना होंदा, इत्थे तक अखर गिनो, एक दो तीन चार पाँच। सो तीन पॉइंट इत्थे पाँच कर दो, हुण तो पाँच अखर तुसी पिछे नूं मुड़ के आए हो तो दस की पावर पाँच कर दो। ठीक है जी, सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडी एक्सप्रैस हो गया तुहाडे को। और जे आपां कहीए भी थोड़ा ठीक है कि नहीं है, बड़े आराम नाल पता लग जूगा, ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਭੰਨ ਲਓ ਬਟੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਪੰਜ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਪੈਂਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਚਾਰ ਜ਼ੀਰੋਆਂ, ਪੈਂਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਚਾਰ ਜ਼ੀਰੋਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੋਰਮ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੋਰਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਫਾਈਵ ਥ੍ਰੀ ਸਿਕਸ ਨਾਈਨ ਔਰ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਉਣਾ ਉਰੇ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ ਅੱਠ, ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਟੈਪ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ, ਤੋਂ ਦਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅੱਠ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਓ ਚੈੱਕ, ਪੰਜ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ, ਫਾਈਵ ਥ੍ਰੀ ਸਿਕਸ ਨਾਈਨ ਤਿੰਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨੀਚੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਗੁਣਾ ਅੱਠ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਆ ਦੋ ਆਹ ਤਿੰਨ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੰਜ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਾਈਵ ਥ੍ਰੀ ਸਿਕਸ ਨਾਈਨ ਮਤਲਬ ਮਗਰ ਪੰਜ ਜ਼ੀਰੋਆਂ। ਸੋ ਮਗਰ ਪੰਜ ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਆਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੋਰਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।